नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आशा और निराशा जीवन के दो पहलू है। जिस तरह दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है, उस तरह जीवन में आशा और निराशा का खेल चलता रहता है। सफल होने पर हम सभी आशा से भर जाते हैं, परंतु कुछ समस्याएं, कुछ असफलताएं मिलने पर व्यक्ति निराशा से भर जाता है। उसकी सोच भी नकारात्मक हो जाती है और धीरे धीरे उसका मनोबल भी बैठ जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे जरूरी टिप्स देने वाला हूँ, जिससे आप अपने जीवन में किसी भी दुख से आसानी से बाहर निकल सकते हो। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना और अच्छे से समझना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये पता करें कि आपके निराशा का मुख्य कारण क्या है। हर निराश व्यक्ति को ये अवश्य पता करना चाहिए कि उसके निराशा का मुख्य कारण क्या है। जीवन में व्यक्ति बहुत से अवसर पर निराश हो सकता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बेरोजगार होने पर निराश हो सकता है। एक बिजनेसमैन व्यापार में नुकसान होने पर निराश हो सकता है। एक नेता चुनाव हार कर निराश हो सकता है। इस तरह हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई निराशा का कारण स्वाभाविक है, पर इसका मुख्य कारण क्या है यह जानने का प्रयास करें। इस समस्या के जड़ तक पहुंचे, फिर उसका निवारण करें। दोस्तों, सबसे पहली बात कि धैर्य है सफलता की सबसे बड़ी कुंजी। दोस्तों, धैर्य एक ऐसा गुण है जिसे धारण करना बहुत ही आवश्यक है। किसी भी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए धैर्य चाहिए। धैर्य धारण करते हुए हमारे क्रांतिकारियों ने देश को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करवाया। हर परीक्षा धैर्य पर आधारित होती है। एक बालक वर्ष भर धैर्य रखकर पढ़ाई करता है और सफलता में उच्च अंकों से उत्तीर्ण होता है। किसी भी काम को करने के लिए धैर्य जरूरी है। यदि आप थोड़ी असफलता देखकर पूरी तरह निराश हो गए तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी धैर्य धारण किया और स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा और शांति का मार्ग अपनाया और अंग्रेजों को देश से खदेड़ दिया। और दोस्तों, दूसरी बात कि आत्मविश्वास जरूरी है। स्वयं पर विश्वास होना जरूरी होता है, क्योंकि जीवन में ऐसे बहुत सी कठिनाइयां होती है जब लोग आपका साथ नहीं देते हैं। ऐसे में यदि आप स्वयं के ऊपर, अपने विचारों, अपने मूल्यों के ऊपर साथ नहीं देंगे तो आप असफल हो सकते हैं। विपरीत स्थितियों में भी व्यक्ति को स्वयं पर, अपने विचारों और मूल्यों पर भी विश्वास रखना चाहिए। जो लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं वह बड़ी से बड़ी मुसीबत को झेल लेते हैं, अंत में उन्हें विजय प्राप्त होती है। इसलिए अपने अंदर पूरी तरह आत्मविश्वास रखें और खुद पर भरोसा रखें। दोस्तों, तीसरी बात और मेन पॉइंट कि निराशावादी मित्रों से बचें और आशावादी मित्र बनाएं। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के चारों ओर का वातावरण भी उसके व्यक्तित्व में बड़ा योगदान करता है। यदि आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो सदैव निराशा के बात करते हैं, तो धीरे धीरे आप भी क्या सोचने लग जाएंगे कि आप जिंदगी में एक सफल और हारे हुए व्यक्ति हैं जो कभी सफल नहीं हो सकते। इस स्थिति से बेहतर होगा कि आप निराशावादी मित्रों से दूर रहें। ऐसे मित्र बनाएं जो आशा से भरे हुए हों, जो सदैव सकारात्मक बात करते हों। उस माहौल और वातावरण में आप अपने मानसिक शक्तियों का भरपूर इस्तेमाल कर सकेंगे और सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये तीन बातें आपको किसी भी दुख से निकालने में बहुत मदद करेगी। इनको आप हमेशा याद रखना। और अगर आपका इससे जुड़ा कोई भी और सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।